चाहूँगी गणपति बाबा मोरिया और मेरे सभी दर्शकों को सभी लोगों को गणपति की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बाबा घर आए हैं वापस, पिछले साल भी आए थे इस साल भी आए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। तो क्या मनोकामना मांगी आपने गणपति से, खुद के लिए या परिवार के लिए, क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैंने इस बार सिर्फ एक ही चीज़ दुआ मांगी सबके लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं मांगी है, सबके घर पे यहाँ पे सब लोग शांति से अपने जीवन में खुश रहे, शांत रहे, और जो बिहार में बाढ़ आई है वो सब लोग बाढ़ से उभरे और वो सुख शांति से सब लोग बचे रहें, सेफ हो जाएं सब वहाँ से, और भगवान आगे बिहार या यूपी या कहीं पे भी इतना कहर बरसाए नहीं, बाबा अपना सिर्फ प्यार बरसाएं, ये दुआ मांगी है मैंने। तो जैसे आपने बिहार के बाढ़ के बारे में कहा है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से या अपनी तरफ से क्या योगदान करना चाहेंगे, क्या? देखिए जितना भी हमसे वो हो पाएगा, जैसे भी अभी मतलब कुछ लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ पे योगदान किया जाए जो उन तक पहुँचा जाए, जैसे कि हम लोग कुछ भी हमारी ओर से हम लोग अगर कुछ पैसे भी हम लोग देने चाहें या कपड़े भी और भी चीज़ें हम लोग सहायता करना चाहें, तो वही अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि किसी भी खिसारी जी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, पवन जी ने किया है तो हम लोग भी उनसे पूछ के आगे बढ़ना चाहेंगे, अब हम अपनी ओर से पूरी मदद करना चाहेंगे। देखिए सबसे मेन चीज़ ये कि बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये चीज़ होनी ही चाहिए थी, औरत का किसी एक उसी वहाँ पे था कि औरत को उतना हक नहीं था, अगर सिर्फ मर्द तलाक तलाक बोलेगा तो तलाक हो जाएगा, 3 तलाक इतनी आसानी से रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बंद हो गया है, और ये मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि औरत को ये हक होना चाहिए था, अब बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है। अभी मुकद्दर आ रही है मेरी, बहुत जल्दी पिक्चर आने वाली है, खिसारी जी मैं हूँ उसमें, काजल जी हैं एंड शमीम जी हैं, उसके बाद पागल दिलवा आ रही है, दरार 2 आ रही है, जब प्यार किससे होता है आ रही है, बहुत ढेर सारी पिक्चरें जो आने वाली हैं और मेरे दर्शकों को बैक टू बैक मेरी पिक्चर देखने को मिलेगी।